कार्यकर्ता, स्वागत है आपका सिलाई जंक्शन में। आज हम ब्लाउज का नाप लेना सीखेंगे। सबसे पहले लेंगे अपन बैकलाइन। बैकलाइन की लंबाई लेने के लिए सबसे पहले आपको गर्दन से चालू करके बैक, जहाँ तक आपको ब्लाउज पहनना है वहाँ तक की लंबाई लेनी है। फ्रंट लेंथ की लंबाई नापते हुए आपको गर्दन से चालू करके बस्ट के ऊपर आते हैं, जहाँ आपका बस्ट फिनिश हो रहा है आपको वहाँ तक नापना है। यहाँ ये 12.5 हो रहा है तो 12.5 अपन नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद 2 से 3 इंच आपको बेल्ट का लेना है। अब 2, 2.5, 3 इंच आपको अपनी बैक लेंथ के हिसाब से आपको बेल्ट नापना है। उसके बाद आता है शोल्डर। शोल्डर का नाप लेते समय ध्यान रखना है आपके दोनों शोल्डर्स के बीच में यहाँ हड्डियाँ होती है, उन दोनों हड्डियों के बीच का ये शोल्डर होता है, तो ये अपने को शोल्डर नाप लेना है। उसके बाद आता है चेस्ट। चेस्ट का राउंड नापते समय आपको आपके इंचटेप को ना ही तो ज़्यादा लूज लेना है और ना ही ज़्यादा टाइट लेना है, बिल्कुल परफेक्ट जितना आया है उतना आपको ले लेना है। उसके बाद जब अपन कमर का नाप नापेंगे तब भी आपको आपका परफेक्ट नाप लेना है, कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है, एकदम टाइट लेते हुए इसको ले लेना है। उसके बाद आता है ब्रेस्ट पॉइंट। ब्रेस्ट पॉइंट का नाप आपको आपके शोल्डर से चालू करके आप ये देख लीजिए 9.5 यहाँ पे इनका ब्रेस्ट पॉइंट आ रहा है। मैं आपको पूरा क्लियर दिखाती हूँ। यह लंबाई से चालू होकर ये 9.5 यहाँ पे ब्रेस्ट पॉइंट आया है। ये ब्रेस्ट पॉइंट सबका अलग अलग रहता है। तो नेक का नाप लेना है। नेक का नाप हमेशा गर्दन से चालू करके बिल्कुल स्ट्रेट नापना है, जितना कि आपको लेना है। अगर आपको 6 इंच लेना है 6 इंच नोट डाउन कर लीजिए, और आप 6 इंच पे एक ऐसा स्क्वायर बना के दे सकते हैं कि आपके गले का जो थिकनेस रहेगा वो कितना रहेगा। और अगर आपको 5.5 लेना है तो ये थिकनेस कैसा रहेगा। उसके बाद अगर आप कभी भी ऐसे टेढ़ा करके नाप लेंगे, अदरवाइज ये 5.5 या 6 इंच का 7 इंच हो गया, और अगर आपने 7 इंच का बना लिया तो बहुत डीप चला जाएगा। ऐसे ही आपको बैक में भी लेंथ लेने के बाद आता है स्लीव लेंथ। जब भी स्लीव लेंथ का नाप लेंगे तो गर्दन जहाँ अपने शोल्डर की हड्डी है वहीं से चालू करके जितना अपने को लेंथ चाहिए उतनी ही अपने को लेंथ लेनी है, और वहीं से ही आपको स्लीव राउंड लेना है। उसके बाद अगर आपको कोहनी से नीचे तक लाना है तो हमेशा आप जिसका भी आपको ड्रेस बना, जिसका भी आपको ब्लाउज बनाना, उसे बोलिए कि आप अपना हाथ मोड़ लीजिए, और मोड़ने के बाद ही आपको स्लीव की लेंथ लेनी है, और मोड़ने के बाद ही आपको